मैं नहीं जानता मेरा भगवान कौन है चंद्रा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की सबसे पवित्र और सबसे प्यारी चीज की सौगंध खा के कहता हूं कि इस बार मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मर्डर मर्डर मर्डर, डेलिबरेट प्लैंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये खून जानबूझकर ठंडे दिल से किया गया है योर ऑनर। मुलजिम ने न सिर्फ अपने मालिक का खून किया जिसके टुकड़ों पर यह बरसों पलता रहा, बल्कि इस आदमी की सारी जिंदगी जुआ, धोखेबाजी और जुर्म की एक लंबी कहानी है। इस कत्ल का सिर्फ एक वाहिद मकसद था, इंतकाम, जाती दुश्मन। मास्टर ने मुलजिम को नौकरी से अलग कर दिया था और इसके बार बार काम मांगने पर भी इसे वापस नहीं रखा। मुलजिम का जुर्म साबित करने के लिए मैं कोर्ट के सामने चंद गवाह पेश करना चाहता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर रानड़े। मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर रानड़े, आपने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है बयान कीजिए। जब मैं मौके वारदात पर पहुंचा तो मैंने देखा मास्टर की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और मुलजिम बार बार यही कह रहा था कि मास्टर मैं तुम्हारा खून करना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। और जो लोग वहां मौजूद थे उनकी भी यही गवाही है कि मास्टर के पेट में चाकू मुलजिम ने ही मारा था। वहां के बिहारी, कत्ल से पहले तुम्हारी और मुलजिम की लड़ाई हुई थी? जी हाँ। मुलजिम ने तुम्हें मारा था? मारा था। हालांकि झगड़ा मैंने शुरू किया था। क्यों? क्योंकि मुलजिम का जुए खाने में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? इसलिए कि वो मेरा दुश्मन था। तुम्हारा दुश्मन? किस लिए? इसलिए कि वो मेरा हम पेशा है, मुझसे बड़ा पत्तेबाज है और हाथ की सफाई में मुझसे बड़ा उस्ताद है। क्या मुलजिम वहां पर जुआ खेलने आया था? ये मैं नहीं जानता, मगर उसने खेलने से इनकार किया था। फिर मुलजिम के वहां आने का सबब? उसकी और मास्टर की कोई पुरानी दुश्मनी थी योर ऑनर। गॉन? जो उसने मास्टर का कत्ल करके खत्म कर दी। अबू बकर, तुमने जूली से मुलजिम को क्या कहते हुए सुना? जी, मैंने उसे जूली को यह कहते सुना कि यह एक दिन उसके भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। थैंक यू योर ऑनर। अब मेरी आखिरी गवाही उस थैली का चट्टा पट्टा है जिससे मुलजिम के गहरे ताल्लुकात रहे हैं। लल्लू दादा, इस मुजरिम को एक मासूम बच्चे के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा मिल चुकी है। क्या तुमने चिल्ड्रंस होम में एक बच्चे का खून किया था? जी हाँ। क्यों? मुझे इस काम के लिए मुआवजा दिया गया था कि मैं चिल्ड्रंस होम में रहकर जूली के भाई पर नजर रखूं और अगर वो कोई राज फाश करना चाहे तो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। कैसा राज? उस गिरोह का राज जिसका वो बच्चा मेंबर था। कैसा गिरोह? वो गिरोह जो शहर में काले कारनामे किया करता है। क्या वो गिरोह के किसी आदमी का नाम बतलाने जा रहा था? जी हाँ। कौन था वो आदमी? राजा। योर ऑनर, ये दोनों एक ही गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। कत्ल के जुर्म में एक को फांसी की सजा हो चुकी है। मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि दूसरे को भी फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। That's all your honor. Lawyer for defense. Lawyer for defense. मेरा डिफेंस काउंसिल मेरी अपनी जमीर है, मेरा आत्मविश्वास है योर ऑनर। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुझे अपने केस की खुद ही पैरवी करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है योर ऑनर? योर ऑनर, मुझे अपना गवाह तैयार करने का ना ही तो वक्त मिला है ना ही मौका, लेकिन मुझे यकीन है कि यहां चंद ऐसे सच्चे और ईमानदार लोग मौजूद हैं जो अदालत के सामने मेरे चाल चलन पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं उन्हें उनके जमीर, उनके ईमान, उनके धर्म का वास्ता देकर अपील करता हूं कि बतौर गवाह नहीं बल्कि इंसाफ, समाज और इंसानियत की तरफ अपना फर्ज समझकर आगे आए। मैं उनसे फिर एक बार दरखास्त करता हूं कि वो आए और अदालत को बतलाएं कि वो उस आदमी के बारे में क्या जानते हैं जिसके सर पर कत्ल का इल्जाम लगा है। क्योंकि मैं साबित यह करना चाहता हूं योर ऑनर कि हालांकि मकतूल का कत्ल मेरे हाथों से हुआ, मैं कातिल नहीं हूं।
मेरे पास आज अगर सर छुपाने के लिए छत है या इज्जत से रहने के लिए पैसा है तो सब राजा का दिया हुआ है। हालांकि मैं एक अदना नाचने वाली लड़की थी, लेकिन फिर भी इस आदमी ने अपनी दौलत का एक हिस्सा मेरे नाम कर दिया और खुद फुटपाथ पे आ गया। मेरा बाप और मेरा भाई मास्टर के हाथों खिलौना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद भी राजा ने मुझे आसरा दिया और अपनी सगी बहन से भी ज्यादा इज्जत दी। मैं वो वाकया कभी नहीं भूल सकती जब इस आदमी ने अपनी जान पर खेलकर जलते हुए मकान में से एक बच्चे की जान बचाई, जबकि हजारों की तादाद में लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। आपको कटहरे में आकर बयान देना चाहिए। आपकी इजाजत से यही बात मैं कटहरे में खड़ी होकर कर सकती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। अब मैं आपकी इजाजत से पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के तमाम गवाहों को कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर राणा डे। मौका वारदात पर मेरे अलावा आपने और क्या क्या देखा? टूटा फूटा फर्नीचर चारों तरफ बिखरा हुआ था। मकतूल की लाश के पास एक पिस्तौल पड़ा था और एक चाकू लकड़ी के तख्ते में धसा हुआ था। इस तौर पर किसी की उंगलियों के निशान थे? बिल्कुल थे। क्या वो निशान मेरी उंगलियों के थे? जी नहीं। जी शुक्रिया। लल्लू दादा, तुमने जूली के भाई जॉर्जी की जान किस लिए ली? वो तुम्हारा नाम जो बकने वाला था। क्या मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर किसके कहने पर तुमने उसकी जान ली? ये मास्टर का हुक्म था। तुम्हारे ख्याल से मुझे इस बात का इल्म था कि तुम्हें जॉर्जी का मुंह बंद करने के लिए चिल्ड्रंस होम में भेजा गया है? बिल्कुल नहीं। तुम फांसी पर चढ़ने वाले हो। हो सकता है कल को मेरा भी यही अंजाम हो। दुनिया छोड़ने से पहले तुम इस कोर्ट से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझसे पहले मास्टर अपने किए की सजा पा चुका है, क्योंकि यह वही शख्स था जिसकी वजह से मैं आज फांसी के तख्ते पर जा रहा हूं। बांके बिहार। वो कौन सी बात है जो हम दोनों में एक थी? हम दोनों एक ही पेशे से ताल्लुक रखते थे। और वो पेशा क्या था? कार शार्पिंग, पत्ते लगाना। क्या ये धंधा हम अपने लिए करते थे? नहीं। तो फिर किसके लिए करते थे? मैंने पेट के लिए किया, जिंदा रहने के वास्ते। तुमने भी इसलिए किया होगा। इसका मतलब है कि उसके एवज में हमें पैसा मिलता था? नहीं, कमीशन मिलता था। कौन देता था वो कमीशन? मास्टर। मास्टर का कत्ल मेरे हाथों से हुआ? बिल्कुल हुआ। किस चीज से हुआ? चाकू से हुआ। बांके बिहारी पेशे के एतबार से हम दोनों भाई हैं। बिल्कुल पेशवर भाई हैं, हालांकि तुम मुझसे बहुत बड़ा गैम्बलर रहे हो। अपने सीने पे हाथ रख के कहो कि अगर मास्टर का खून चाकू से ना होता तो हम दोनों का खून किस चीज से हो गया होता? पिस्तौल से। वो कैसे? वो मास्टर ने चला दी होती अगर चाकू इधर से न चलता। लेकिन तुमने भी क्या निशाना लगाया। अबू बकर, अबू बकर, तुमने मुझे जूली से क्या कहते हुए सुना? कि तुम उसके भाई की मौत का बदला जरूर लोगे। उस बदले के सिलसिले में मैंने किसी का नाम लिया था? जी नहीं। तो तुमने कैसे जान लिया कि मैं मास्टर से बदला लेने की बात कर रहा था? जी, मैंने अंदाजा लगाया था। अंदाजा हकीकत नहीं होता योर ऑनर। मास्टर के सिवा और कौन हो सकता था जिससे ये जूली के भाई का बदला ले सकता था? इसलिए कि मास्टर ने ही जूली के भाई का खून करवाया। इसलिए कि जूली का भाई उसी गैंग से ताल्लुक रखता था जिसके तुम मेंबर थे। और वो गैंग किसका था? मास्टर का योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे उम्मीद थी कि मुलजिम जो बहुत ईमानदार और सच्चा होने का सबूत देने की फिक्र में है अपने एक ऐसे प्यारे गवाह को बुलाएगा जो कटहरे में खड़ी होकर अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दे। लेकिन लगता है कि मुलजिम घबरा गया क्योंकि इसके दिल में चोर है, काला है। योर ऑनर, मैं मिस गंगाराम को कटहरे में बुलाना चाहता हूं। मिस गंगाराम, जिसके साथ मुलजिम के गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं, लेकिन इस आदमी की असलियत का भांडा फूटते ही वो ताल्लुकात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। मुझे अफसोस है, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी कभार जख्मों को नश्ता लगाना पड़ता है। आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मैं मुलजिम से प्यार करती हूं। प्यार कितना अंधा हो सकता है? ये लड़की उसकी जीती जागती मिसाल है। योर ऑनर,
अब मैं सर गंगाराम को बुलाना चाहूंगा। सर गंगाराम, जो हमारे समाज के बहुत बड़े खंभे हैं, जिनकी इज्जत और शोहरत के लिए उनकी बेटी का यह रोमांस एक बदनुमा दाग बनकर रह गया है। आप मुलजिम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता कि मेरी बेटी मुलजिम से प्यार करती है। हाँ, मुझे एक वाकया याद आया। मुलजिम ने दार्जिलिंग में गोल्ड कप जीता था और वही अपनी सारी पूंजी दान कर दी थी। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि मुलजिम कातिल है या नहीं, लेकिन इस नौजवान को देखकर यह महसूस होता है कि हमारे समाज से त्याग की भावना अभी मरी। ये मुलजिम और त्याग काफी ऊंचा मजाक है। क्या मैं मुलजिम से पूछ सकता हूं कि वो जेल के सिलसिले में गए थे त्याग के या तपस्या के? मुझे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ गया था, इसलिए कि मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी। छोटी सी गलती? मुझे एक आदमी हरामी की औलाद कह के पुकारा, मैंने उसे घूंसा मारा। गलती से नाक की बजाय वो घूंसा उसके जबड़े बजा लगा और उसके 32 के 32 दांत बाहर आ गए। इस आदमी में तुम्हें गलती से कोई गाली दे दे तो तुम उससे ऐसे ही मारोगे? किसी हरामी बच्चे को कोई हरामी कह के पुकारे तो वो क्या करेगा? गाली के बदले घूंसा मारेगा? नहीं, वो उसे प्यार करेगा। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि यह आदमी कितना खतरनाक है और वो हर खूनी होता है। क्या तुम अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर कुछ रोशनी डाल सकते हो? मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। एक किरण पल भर के लिए फूटी थी, लेकिन वो भी उन अंधेरे में गायब हो गई। तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं? बचपन से कुछ उठती उठती बातें मेरे कानों में पड़ती रही हैं। मसलन, मास्टर ने मुझे अनाथ आश्रम से उठा के पाला था, और चूंकि सबकी माँ होती है इसलिए मेरी भी एक माँ थी जो मेरे पैदा होती मर गई। और बाप? मालूम नहीं जिंदा है ये मर गया। काश मुझे उसका पता होता, मैं अपने हाथों से उसका गला खोल देता। जैसे मास्टर को मार डाला तो? मैंने मास्टर को नहीं मारा है, बल्कि वो अपनी मौत खुद ही मर गया। ये ठीक कह रहा है। तुम मास्टर के लिए क्या काम करते थे? मैं उसके लिए जुआ खेलता था। जुआ खेलता था योर ऑनर? मुझसे खिलवाता था योर ऑनर। लेकिन तुम उसे छोड़ सकते थे? मैं उसे छोड़ सकता था, लेकिन तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए मास्टर मुझे हमेशा डराता था। तुम डरते थे जो गाली के बदले घूंसा मार सकते हो? इसलिए उसके पास मेरी जिंदगी का एक राज था। कौन सा राज? जिसके खुल जाने से बहुत लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती। क्या यही वजह थी जो तुम उसका खून करने जुआ खाना पहुंचे? उसका खून करने के लिए नहीं, बल्कि मैं जुआ खाना इसलिए पहुंचा कि वो मुझसे ब्लैकमेल का 2 लाख रुपया मांग रहा था। 2 लाख? जी। इतना रुपया तुम्हारे पास कहां से आया, कैसे आया? मैंने इन हाथों से कमाया जुआ खेलकर। मुलजिम ये कहना चाहता है योर ऑनर कि मास्टर के लिए जुआ खेलना बंद करके इसने अपने लिए जुआ खेलना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपकी वाकफियत के लिए ये बता दूं वकील साहब कि हर आदमी जिंदगी में जुआ खेलता है, सिर्फ उसके ढंग अलग अलग होते हैं। मेरा जुर्म ये नहीं है कि मैंने लाखों रुपया कमाया, मेरा जुर्म यह है कि मैंने वो रुपया दान कर दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैंने उस रुपए का एक हिस्सा उस लड़की जूली के नाम कर दिया, ताकि वो भी समाज की उस बेरहम और कठोर मशीन का शिकार न बन जाए जो अपने शिकंजे में आने वाली हर चीज को कुचल के पीस के रख देती है। मेरा जुर्म यह है कि मैंने गिरी हुई लड़की को बहन बनाया और एक ऐसे ऊंचे तबके की लड़की से प्यार किया जहां इंसान की मोहब्बत सिर्फ रुपए के तराजू में तोड़ी जाती है। तुम्हारा जुर्म? मेरा जुर्म यह है कि मैं अपने हाथों को फौलाद के हाथ देखना चाहता था, लेकिन मुझे सड़कों से उठाकर पाल पोस कर बड़ा करने वाले चाहते थे कि मेरे ये हाथ उनके लिए सोने के हाथ बने रहे। मेरा जुर्म यह है कि मेरी मुजरिम जिंदगी के जिम्मेदार मुझे मार डालना चाहते थे और मैं जिंदा रहना चाहता था। और अगर मैं आज मार डाला गया होता योर ऑनर, तो सच्चाई बताने के लिए कोर्ट में कोई आदमी मौजूद नहीं होता। योर ऑनर, यह अदालत है, एक्टिंग का स्कूल नहीं। अगर कानून लफ्जों की जादूगरी से चकाचांद हो जाए तो इंसाफ का जनाजा उठ जाए, लेकिन कानून सबूत पर जाता है, सच्चाई पर जाता है, असलियत पर जाता है। और असलियत यह है कि मुजरिम ने मास्टर का सिर्फ, बल्कि उसे मारकर मैंने हैवानियत के दौर को खत्म किया है जो बदचलनी और गिरावट को जन्म देता है। योर ऑनर, उसे मारकर मैंने बुराई की जड़ों को काटा है। और अगर समाज से गिरावट और अत्याचार को खत्म करना उससे उसके एक बदनुमा धब्बे को मिटा देना गुनाह है। है गुनाह है, किसी पर वार करना गुनाह है, किसी की जान लेना गुनाह है, किसी के पेट में चाकू भोंक देना गुनाह है, और उस गुनाह का एक बार मुलजिम कर चुका है। योर ऑनर, ये उसी सजा का मुस्ताहिक है जो किसी भी पेशावर कातिल को मिलनी चाहिए। नहीं योर ऑनर, ये आदमी कातिल नहीं है। अगर ये कातिल है तो इसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। योर ऑनर, जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहो। योर ऑनर,
पुलिस ने अपने बयान में कहा कि मौका वारदात पे दो चाकुओं के निशान मिले, एक वो जिससे मास्टर का खून हुआ और दूसरा वो जो लकड़ी के तख्ते में धंसा हुआ था। मैं अदालत से ये दरखास्त करूंगा योर ऑनर कि दोनों चाकुओं पर उंगलियों के निशानात की दोबारा जांच करवाई जाए। चाकुओं पर उंगलियों के निशानात की रिपोर्ट पेश की जाए, तब तक लिए अदालत को मुलतवी किया जाता है। Proceedings may begin. Your Honor, अदालत में कल जो कुछ भी हुआ वो एक ड्रामा था। एक पेशावर जुआरी ने दूसरे पेशावर जुआरी को बचाने के लिए नाटक खेला। जहां तक चाकुओं पर उंगलियों के निशानात का सवाल है, वो अच्छी तरह एग्जामिन कर लिए गए हैं और पुलिस दोबारा इसी नतीजे पर पहुंची है कि वो निशानात मुलजिम के ही है। इससे साफ जाहिर है योर ऑनर कि मुलजिम ने दोनों चाकुओं से मास्टर पर दो बार हमला किया। पहला वार खाली गया और चाकू लकड़ी के तख्ते में जा घुसा और दूसरा वार जानलेवा साबित। ये झूठ है। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। मुलजिम के इन दोनों वारों के बीच मास्टर उसे गोली से उड़ा सकता था, लेकिन खून से वह अपने हाथ रंगना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने गोली नहीं चलाई और मुलजिम के दूसरे वार का शिकार बना। इसके अलावा पुलिस के हाथ चंद और सबूत आए हैं जिनसे साफ जाहिर है कि कत्ल मुलजिम ही ने किया और सोच समझकर जानबूझकर जाति दुश्मनी के तहत किया। मुलजिम के कमरे की तलाशी लेने पर उसके ट्रंक से उसी के हाथ की लिखी हुई डायरी बरामद हुई है, जिसमें उसकी कुछ एंट्रीज हैं जो मैं अदालत को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जनवरी 1, मैं मास्टर से नफरत करता हूं। मेरे बारे में वो कौन सा राज है जो उसकी मुट्ठी में बंद है, भगवान उसे धरती से उठा ले। जनवरी 24, मैं आज मास्टर की नौकरी छोड़ रहा हूं, भगवान मैं क्या करूं। दिसंबर 6, हाँ इसे याद रखा जाए योर ऑनर, मास्टर का कत्ल इसी दिन हुआ था। मैं आज मास्टर से अपना हिसाब चुकाने जा रहा हूं, भगवान मुझे शक्ति दे। और जिस दिन भगवान ने मुलजिम को शक्ति दी, उसी दिन उसने अपना हिसाब चुका दिया। हियर इज द डायरी फॉर योर स्क्रूटिनी योर ऑनर। किसी के अंदरूनी जज्बात से खिलवाड़ खेलने का किसी को हक नहीं है योर ऑनर। वो राज जिसे मैंने एक मुकद्दस अमानत समझकर दिल की गहराई में छुपाए रखा है, उसे रोशनी में लाने का किसी को हक नहीं है। ये फोटो किसकी है? ये मेरी गुनाहगार मां है योर ऑनर। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के सामने इसकी मट्टी पलीद हो। इस वक्त कहां है? मर चुकी है योर ऑनर। इस फोटो के पीछे कुछ लिखा है। अगर इसका ताल्लुक इस केस के साथ है तो पढ़ो। सीता देवी मेरी मां, जिसे मैं उतनी ही नफरत करता हूं जितना के प्यार। दोबारा पढ़ो। पूरा पढ़ो। सिर्फ मां का नाम सीता। फिर पढ़ो। सीता देवी। गौर से पढ़ो। आपको यकीन नहीं आता, खुद पढ़ लीजिए। आई एम सॉरी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। मैं वो फोटो देख सकता हूं? तुम्हारी माँ है? है नहीं थी। नहीं ये नहीं थी। मुझे इस कलंक ने माँ कहते हो, शर्म आती है। ऐसा मत कहो बेटा, वो कोक जिसने तुम्हें जन्म दिया निष्कलंक है। एक अच्छी माँ का बेटा मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलता।
तुमने कहा था कि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां तुम्हें छोड़कर चली गई, फिर तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि ये फोटो तुम्हारी मां का? बचपन से ही मेरे बक्से में ये फोटो रही है और मैंने इसे हमेशा सीने से लगा रखा। ये सही है कि मुझे अपनी मां बिल्कुल याद नहीं, लेकिन जब भी इस तस्वीर को देखता हूं मेरा दिल, मेरी आत्मा चीख चीख के कहती है कि यही मेरी मां है। अगर कभी इसी तरह अचानक तुम्हारे बाप की तस्वीर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा उसे पहचान सकेगी? अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम? मालूम नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। काश मुझे अपने बाप का पता होता, मैं उसे उसकी कब्र से खोद के निकाल सकता। Your Honor, अगर कोर्ट इजाजत दे तो क्या मैं उस औरत जो अभी बोल रही थी कटहरे में बुला सकता हूँ? इजाजत है। क्या ये तुम्हारा बेटा है? जी हाँ। क्या तुम इस कोर्ट को बता सकती हो कि तुमने अपने बेटे और दुनिया से ये राज क्यों छिपा कर रखा? जब मैं गर्भवती थी तो मेरे प्रेमी ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। निर्दोष चांद की हत्या करने के बजाय मैंने उसे जन्म दिया। समाज और दुनिया की तोहमतों से बचने के लिए मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अनाथ आलिया में छोड़ दी। मन की शांति ढूंढते ढूंढते मैं ऋषिकेश पहुंची और वहां संन्यास ले लिया, लेकिन मां की ममता मुझे फिर बंबई खींच आई। आने पर पता चला कि मास्टर मेरे बच्चे को ले गया। तब से आज तक मैं यहां एक मंदिर में जी रही हूं। ये राज सिर्फ मास्टर को मालूम था, जिसका उसने हमेशा फायदा उठाया। क्या तुम जानती हो कि इस बच्चे का बाप कहाँ है? जी हाँ, मैंने हमेशा उन पर नजर रखी है। तो फिर तुमने उसके पास वापस जाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब अपने बच्चे को जन्म देते वक्त उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तो उसके जन्म के बाद उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ये कौन कह सकता था? इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना मुनासिब समझा। तुम्हारे ख्याल में वो जिंदा है या मर गया? पता नहीं, जब मेरे लिए उनका होना ना होना बराबर है, तो अगर वो जिंदा भी है तो मेरे किस काम के? अब मैं अपनी बात इस दलील पर खत्म करता हूं योर ऑनर कि मुलजिम कोई नहीं, न ये, न वो कार्ड शार्पर, न मास्टर, और न ही वो हालात जिनमें ये नौजवान पला और बड़ा हुआ है। असली मुजरिम वो है योर ऑनर जो आपके सामने खड़ा बोल रहा है। सजा का मुस्तहिक मैं हूं, और ये देवी मेरा पहला प्यार है, जिसे मैंने अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया था क्योंकि मैं बुजदिल था, और ये मुल्जिम मेरा ही बेटा। हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं योर ऑनर। कटहरे में खड़ा हुआ यह नौजवान कानून की नजर में कातिल साबित हो चुका है, लेकिन वो शख्स जो इसे कातिल साबित कर चुका है इससे भी बड़ा कातिल साबित होगा, जिसका फैसला यह अदालत में वो अदालत करेगी। मुझे सिर्फ उसी केस का फैसला करने का इख्तियार है जो कोर्ट के सामने है। चूंकि इस केस में सारे सबूत मुलजिम के खिलाफ हैं, मैं मुलजिम को मास्टर के कत्ल के जुर्म में। सबूत सारे गलत है, राजा कातिल नहीं है योर ऑनर। मैं खत की वारदात का सही पहलू पेश करना चाहता हूँ योर ऑनर की। खून कैसे हुआ, किससे हुआ, किन हालात में हुआ, फैसला देने से पहले मेरी गवाही एक बार फिर से सुन ली जाए, मेरी यही इल्तिजा है। इजाजत है। पुलिस ने अपनी गवाही में कहा है योर ऑनर कि दोनों चाकुओं पर राजा की ही उंगलियों के निशान थे। वो सही है,
लेकिन मैं कहता हूं कि कत्ल राजा ने नहीं किया वो भी सही है। मैं योर ऑनर आपको एक घड़ी के लिए मौका है वारदात पे फिर से ले जाना चाहता हूं। बहुत उम्दा, मुझे तुम पर हमेशा नाज रहा है राजा। बोलो, मेरा वो काम हुआ या नहीं? पहले पिस्तौल हटा, पहले जवाब दो हाँ या ना। यही तरीका है तुम जैसे कमीने जुआबाजों से हिसाब छुपाने का। ये मत भूलो, 2 लाख में मेरा भी हिस्सा है। ये आज मेरी वजह से तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा है। चुप रहो गधे की औलाद। उस जीते हुए रुपए में से मेरा भी कमीशन बाकी है। बकवास बंद करो सुवार, मैं पहले इससे निपट लूं, बाद में तुझे भी देख लूंगा। जवाब दो हाँ या ना। अगर हाँ है तो मेरा काम हो जाना चाहिए, और अगर ना है। जो चाकू तख्ते में जाके धस गया वो राजा का फेंका हुआ था, और जिस चाकू ने मास्टर का निशाना बनाया योर ऑनर वो मेरे हाथ से निकला। इस हाथ से जो हमेशा दस्ताने के पीछे छुपा रहता है योर ऑनर, मेरा हाथ जला हुआ है, मेरा हाथ जला हुआ है। और यही वजह है कि मेरी उंगलियों के निशान चाकू पे नहीं मिले। योर ऑनर, राजा के अल्फाजों को अब मैं दोहराता हूं कि अगर मेरा चाकू मास्टर पे वार न करता तो उसकी पिस्तौल हम दोनों को निशाना बना देती। मुकदमे की पूरी जांच के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुलजमान को अपनी जान की हिफाजत के लिए मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा, इसलिए अदालत इन दोनों मुलजिमों को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। अब मैं आपको भाभी कह के पुकारूं तो कोई इतराज तो नहीं?